नमस्कार दर्शकों, पेंटिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम पॉट पेंटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये छोटी सी मटकी ली है और ये वाइट पेंट लिया है। ये वाइट पेंट वही है जो लोहे की चीज़ों पे करते हैं, और ये एक ब्रश ली है। सबसे पहले हम इस पे एक कोट कर लेते हैं। एक कोट का मतलब एक बार पूरे पे वाइट कलर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पहले ये कपड़े पुराने हैं वो बिछा लिए हैं, ताकि थोड़ा कुछ कलर गिरे तो वो दिक्कत ना आए। ये देखिए, हम इस मटकी के ऊपर पूरे पे कर लेते हैं एक बार इस वाइट कलर से। जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद दोबारा से फिर से करेंगे और फिर उसे सूखने देंगे। करते समय थोड़ा ध्यान दें कि कपड़ों पे ना लगने पाए, और नीचे ये पुराने कपड़े जरूर बिछा लें, अखबार भी बिछा सकते हैं। ये कलर सूख गया है, अब हम इसके ऊपर दूसरी बार कलर करेंगे। ये जो कलर है ये उस दुकान पे मिलते हैं जहाँ पे घरों पे करने के लिए पेंट मिलते हैं, वहाँ बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसको सुखा लेते हैं। इसका ये कलर सूख गया है। अब एक बाल्टी के अंदर हमने पानी लिया है, और बाल्टी थोड़ी सी खुली खुली हो और पानी भी उसके अंदर इतना हो कि ये जो बर्तन हमने लिया है ये अच्छे से डूब जाए। आप चाहें तो हाथों में ग्लव्स पहन सकते हैं। अब इसके अंदर हम ब्रश की मदद से इस तरह ये जो कलर है उसकी कुछ बूंदे डाल रहे हैं। ये हमने पीले कलर की डाली है। इसके अंदर अब कुछ बूंदे हम गुलाबी कलर की डाल रहे हैं। कुछ बूंदे हम लाल पेंट की डाल रहे हैं, लाल कलर की। अब इनको हम थोड़ा सा हिला देंगे इधर उधर थोड़ा सा। ये जो हमारा बर्तन है हम इसको इसके अंदर ऐसे धीरे से डाल देंगे इसके अंदर। और फिर इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन इसके ऊपर आ गया है। अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। हाथों पे ये जो कलर लग जाए, तो जिस दुकान पे वो पेंट मिलता है उसी दुकान पे तारपीन का तेल मिलता है, उससे ब्रश भी साफ कर सकते हैं आप और अपने हाथ भी साफ कर सकते हैं। उसके बाद फिर साबुन से हाथ साफ कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।